सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो गाइस बेसिकली आज का जो व्लॉग है वो है अपना क्यू एन ए व्लॉग। मैंने अभी रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे क्यू एन ए के लिए स्टोरी डाली थी। सो बहुत सारे भाइयों ने, बहुत सारे दोस्तों ने, लड़कियों ने, लड़कों ने, सब ने एक बहुत सारे अहम अहम क्वेश्चन पूछे थे। तो आज हम उन सवालों का जवाब देंगे आपको। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा अपने विकास दुबे को। तो ये है अपने दुबे जी, दुबे नहीं हूं मैं, सॉरी, ये है अपने विकास बैसोया, मिस्टर गुर्जर, ठीक है जी। तो देखो पहले मैं व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ भाई आज की डेट में क्या होता है। देखो ये बोलते हैं कि भाई हम यादव है, हम गुर्जर है, हम राजपूत है, हम जाट है, बोलते तो है ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो भाईचारा जो है वो खत्म हो जा रहा है। तो पहले सबसे पहले छोटी चीज ये है भैया, अपना ना भाईचारा बना के रखो, कोई ये भेदभाव मत करो। हम सब जो है वो एक ही चीज है, ठीक है। अपने आप को अलग मत करो, बांटो मत। ये भी भाई है, मैं भी भाई हूँ, ठीक है। तो भाईचारा कायम रखो। अब स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग, और पॉडकास्ट मान लो, व्लॉग मान लो, कुछ भी मान लो, सवाल जवाब का मान लो कुछ भी, ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर 1234 एंड 4567 क्यू बाय किया लव फ्रॉम गुजरात। तो भाई इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है, बहुत बड़ा भी है और रीजन भी नहीं है। हमारे पास भाई पहले 000 सीरीज की कार थी, पहले 0001 भी थी, 0002 भी थी, 0009 तो अभी है, अभी है, 0009, 5, 6 ऑलमोस्ट सारी थी। पर फिर हमने सोचा यार कुछ यूनिक करते हैं। अब 000 सीरीज की गाड़ी बहुत से लोगों ने ले ली, तो अपना थोड़ा नई सीरीज बनाते हैं। तो इसलिए हमने 000 सीरीज हटा के अब स्कॉर्पियो 1234 लिया, भाई स्कॉर्पियो 1234 नहीं, सॉरी 4567 लिया, स्कूटी है 1234, स्कूटी पे 1234 लिया। और तुम्हारा हमारे पास मर्सिडीज थी, उस पे हमने 1234 लिया, उस पे था 1234, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीजें थी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, भाई फ्यूचर प्लान क्या है। भाई फ्यूचर प्लान तो मेरे बहुत सारे हैं और इनफैक्ट बहुत बड़े हैं। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो ही मैं इन्हें कंप्लीट कर पाऊंगा। कुल मिला के बात यह है, बस मैं ये चाहूंगा आप लोग मेरा साथ मत छोड़ना। बाकी इतने तगड़े तगड़े प्लान है वो आपके साथ ही पूरे होंगे, बस आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखना। टक्स पटेल, यू डू इन ए होल्ड डे, भैया होल्ड डे ये भी मेरे साथ रहता, बता मैं बताता हूँ। चलो हम क्या करते हैं, पहले सुबह उठते हैं, सुबह उठाकर भी मैं नहीं देखो जिम के लिए, फिर हम जिम जाते हैं, जिम से वर्कआउट वगैरह करके आते हैं, फिर नहा धो के फिर पूरे दिन में कोई व्लॉग बनाते हैं, कभी इवेंट होता है तो वहाँ चले जाते हैं, कोई मीटिंग होती है तो वहाँ चले जाते हैं, वरना हवाबाजी तो हम करते ही हैं। हम तो भैया हवाबाज है, ऐसा कि लोग बोलते हैं भैया ये तो एक नंबर के हवाबाज है, पैसा उड़ा रहे हैं, ये है वो है, कोई काम धाम पैसा भी तो अपना उड़ा रहे, कोई काम धाम नहीं इनको जा रहे हैं, कोई काम धाम नहीं वहां गुजर, अपना क्या अपना, हम तो भैया हवाबाज है, हमें हवाबाजी का टैग मिला पड़ा है। तो कोई दिक्कत ना भैया, हम अपनी हवाबाजी जब मिल लोगे तो तुम्हें वो हवाबाजी पता चल जाएगी कैसी, जब तुम्हें लगेगा हार्ड वर्क है, हवाबाजी हार्ड वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी अगर तुम मुझसे मिलोगे तो। तो कमेंट में लिख दो हवाबाजी रॉन्ग और हार्ड वर्क राइट, यस, ठीक है जी। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी अंकुश भाई, अपनी लाइफ की जर्नी बताओ भाई। बेसिकली देखो लाइफ की जर्नी, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरे लाइफ में बहुत दुख है और बहुत स्ट्रगल है, तो एग्जैक्टली सेम तुम्हारे भाई का था, स्ट्रगल भी बहुत है, बहुत चीजें फेस भी करी। देखो भाई पहले बता रहा हूँ, ये रेड बुल पी रहा है, कभी तुम इसे गलत वाइन में ले जाओ, ये दाल वालों को छींदे हम भैया बहुत सीधे खा रहे, ठीक है जी। तो स्ट्रगल हमने बहुत करी, बहुत चीजें फेस भी करी, बहुत चीजें हमारे सामने निकल के आई, बहुत लोगों ने रंग बदले और बहुत लोगों ने बहुत कुछ सिखाया भी। तो भाई लाइफ में बहुत स्ट्रगल थी कुल मिला के। और कुल मिला के मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वन मैन आर्मी बनना सीखो, झुंड का सहारा मत बनो, झुंड का सहारा मत लो। अगर आप ये करोगे ना कि भाई अगर हमारे पास टीम नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अकेले इंसान वो कर सकता है जो टीम नहीं कर सकती, ये तुम्हारे भाई के वर्ड्स हैं, मार्क कर लो आज ही। तुम अकेला चलना सीखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम क्या चीज हो, ठीक है जी। तो लाइफ में बहुत बहुत मतलब बहुत चीजें फेस करी, वो कभी आप मैं कभी अच्छे लेवल पे जाऊंगा तो जरूर बताऊंगा चीजों को, कभी मैं पॉडकास्ट लूंगा नहीं किया जाएगा तो जब पता चलेगा। चलो डन। सर लड़कियां आपसे मिलने आ सकती हैं, ये कोई क्यूटी मुस्कान है, मुस्क अब वो निकेत भाई से मिल लेने, वो मेरे से मिलने आ सकती है। देखो तुम, मैं लड़कियों, जितनी भी लड़कियां मेरा व्लॉग देखती हैं, अगर तुम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वे में पूछ सकते हो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सीधा सीधा ये पूछो कि तुम विकास से मिलने आ रही हो तो भी आपके लिए बिल्कुल यस है, आप विकास से मिलने आओ कोई दिक्कत नहीं है, एनी टाइम 24/7 आप विकास से मिलने आ सकती हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, मेरे को कॉल कर लेना और लिंक डाल देंगे इंस्टाग्राम की, आप भाई को फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जाके वहां डीएम करो, सबको मैं फॉलो बैक दूंगा। चलो डन है भाई, ठीक है। एक वो है उसमें क्या, मैं पैसे नहीं खर्चूंगा, लड़की खर्चेगी। हाँ भैया अगर तुम इसके साथ कॉफी वॉफी पीने जा रही हो और खाना वाना खा रहे हो
तो भैया अपना जो है वो जेब अपनी मोटी करना पड़ेगा, क्योंकि भैया पैसा वैसा तुम्हें खर्च करना पड़ेगा भैया। जो हमारा पैसा है उसे भाइयों के साथ खर्चो, लड़कियों के साथ नहीं, भाइयों के साथ खर्चो, तालू भाइयों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? भाई देखो पार्टी की बात है तो पार्टी बेसिकली, मैं बिल्कुल दिल वाली बात बताऊं, मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, पर हाँ मतलब भारतीय नागरिक होने के नाते मैं सीधा ये बोलूंगा कि पार्टी जो भी अच्छे काम करती हो वो मैं सपोर्ट करूं। उनको सपोर्ट करो जो हमारे देश का भला कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा। और देखो पार्टी क्या होती है भाई, बहुत चीजें नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती है, एक चीज अगर नेगेटिव उठ गई तो वो पार्टी गलत है, और एग्जैक्ट उसी टाइम किसी और पार्टी ने बढ़िया स्टैंड ले लिया किसी अच्छी चीज को लेके तो वो पार्टी गलत होगी या सही होगी, ऐसा होता है। तो भैया पार्टी पार्टी में तो बिलीव नहीं है मेरा बिल्कुल, बाकी मैं तो ये बोलूंगा जो अच्छा काम करे उसको आप सपोर्ट सपोर्ट करो, हम भी उसी को सपोर्ट करते हैं, हम भी उसी को सपोर्ट करते हैं, मैं तो दिल सपोर्ट करता हूँ जी उसको। फिर अपना क्या नाम है ये भाई, अब गाली, ओ सॉरी गाली नहीं, अगली अनीस जारू, भाई आप अगली गाड़ी कब लोगे? भाई ये व्लॉग यहाँ खत्म हो जाएगा, मतलब इसके बाद जो अगला व्लॉग आएगा वो डिलीवरी का ही आएगा, वो अगली गाड़ी डिलीवरी का जो व्लॉग आएगा वो आपके, बहुत लोगों की डिमांड थी गाड़ी कब ले लो, तो गाड़ी हमने जी गाड़ी फाइनल कर दी है, एक दिन में गाड़ी आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद एनोनिमस 0567, विकास तो बैसो है, तो हुई है ना ये, हमने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस तो कर दिया अपने आपको, मतलब हाँ। बोल रहे हैं कि विकास तो बैसोरा है, आप उसको दुबे क्यों बोलते हो? मैं बता दो इसके पीछे की, वो बता दो, एक बार मैं फार्म हाउस पे था तो विवेक भाई आए तो वो कह रहे थे विकास, फिर ऐसी कुछ बात सी छेड़ी नहीं उस टाइम पे भाई जी, एक वो थे, एक विकास दुबे सुना होगा आपने, विकास दुबे केस जो एनकाउंटर में हुआ था उस टाइम पे वो ट्रेंड पे चल रहा था, तो तब विकास आया था, तो विकास का हमने नाम विकास दुबे रख दिया था, तो ये विकास दुबे सभी दुबे दुबे करते हैं, तो उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है, ये तो प्यार से मतलब, ठीक है जी। फिर अपने एक ऋषभ यादव भाई हैं जो ये अपने फैमिली मेंबर है, खास भाई बिल्कुल, इन्होंने पूछा है डेली जिम जाने के लिए मोटिवेटेड कैसे रहें, प्लीज हेल्प। तो देखो भाई जी पहले मैं आपको बता दूं छोटी सी बात, मैं आपको अगले मतलब करीबन करीबन 4-5 साल से बताता आ रहा हूँ भाई जिम जाओ जिम जाओ जिम जाओ, पर भाई जिम जा ही नहीं रहे, भाई क्या करते हैं 1 महीना जिम जाते हैं और 3 महीने रेस्ट करते हैं, तो ये भाई की कहानी है। बाकी देखो इस कहानी के पीछे बहुत लोग फेस कर रहे हैं सेम चीज, अकेले हमारे ऋषभ भाई नहीं कर रहे, बहुत लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। इसका ना सिंपल सा फंडा देखो, जब तक आप अपनी डाइट नहीं करोगे और प्रॉपर रेस्ट नहीं करोगे और दिमाग में ये नहीं सोचोगे कि हाँ भाई ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब तक ये इम्पॉसिबल है। आप मेरे कहने से 1 हफ्ता डाइट करो, 1 हफ्ता रेस्ट, मतलब उसी टाइप उसमें पार्ट में रेस्ट भी करो डाइट भी करो और प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करो, अगले 8वें दिन ना आपका खुद मन करने लगेगा कि भाई वर्कआउट करने चलते हैं। जब तक डाइट नहीं जाएगी, जब तक प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं जाएगा ना, तब तक आपका मन नहीं करेगा, तो डाइट बहुत जरूरी है, ठीक है जी। उसके बाद रॉयल जाट, इंटरनेशनल ट्रिप कब प्लान कर रहे हो? भाई जी इंटरनेशनल ट्रिप का सीन बहुत जल्दी आने वाला है, बस अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज इसमें हूँ कि भाई मैं जो मेरा मेन वो है, मेरा मेन है भी दुबई जाना, क्योंकि मुझे दुबई की नाइट लाइफ देखनी है, मैंने बहुत सुना है इसके बारे में। मैं पिछले साल गया था, चल लेता मेरे साथ। अरे यार तू उसमें गया ना, अल्टो में मैं पहले गया था, टियागो में गया था, अभी मतलब देखेंगे भाई, पर मेरा मन जो है वो दुबई का है, बाकी बहुत से लोग अलग अलग राय दे रहे हैं मुझे, तो अभी देखते हैं, बहुत सारे इकट्ठी करेंगे बता देंगे जो सुबह, जब बहुत जल्दी आएगी ट्रिप। फिरोज बाडी 8055, लाइफ में सबसे प्यारा क्या है? पैसा। बिल्कुल ये तो भाई कोई चीज नहीं है, लाइफ में सबसे प्यारा है पैसा, अगर पैसा है तो सब कुछ, और पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इसलिए सिर्फ पैसे से प्यार करो। ये है अपने गुरु भाई का, गुरु 14_, महारा एक भाई है जो किसी बदमाश को बदमाश नहीं मानता, पूरा करो। अब जी इसका हम पूरा कर देते हैं इसको, लो जी। अबे तो 4 दल्लों की फौज लेके अपने आप को बहुत बड़ा सम्मान मानता, हम तो सीधे से बालक है, मैं कोई ना जानता, पर महारा एक भाई है जो किसी बदमाश को बदमाश नहीं मानता। समझ गए गुरु भाई, समझ लिए। चलो जी बहुत बढ़िया। पीयूष शर्मा भाई का क्वेश्चन है ये, पीयूष शर्मा जी का, भाई तुमसे सब फेम लेने क्यों आते हैं आजकल के लड़के? तो फेम की बात देखो भाई ऐसा सीन है पीयूष भाई, फेम आज की डेट में ऐसा हो चुका भाई, जिसके पास पैसा है, जिसके पास नाम है, जिसके पास फॉलोअर्स है, फेम है, लोग उससे कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं जब उनके ये लगता है हाँ भाई हमने इसका अच्छा खासा फेम खा लिया है, फिर हट जाते हैं, और भाई ऐसे लोगों को पता क्या बोलते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं दोगला। और मैं सही बात बताता हूँ, देखो
अनिकेत भाई की जो आदत है वो है हर किसी से मिल जाना, हर किसी को भाई समझ लेना। मेरा भाई पता मेन क्या है, मैं जिसके साथ बैठता हूँ वो दिल से बैठता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि भाई सामने वाले पे पैसा है, गरीब है, कौन सी जात का है, नहीं। मैं जिसके साथ बैठता हूँ दिल से बैठता हूँ, चाहे मुझे वहां अपना दिल लगाना पड़े, जान लगानी पड़े या पैसा खर्च करना पड़े, मैं जो भी करूंगा भाई दिल से करूंगा। तो मेरी ये आदत है। पर लोग क्या करते हैं भाई, लोग मतलब के लिए बैठते हैं कि भाई इसके साथ बैठेंगे तो फेम कहेंगे, इसके साथ बैठेंगे तो लिंक जोड़ेंगे। अब लोग क्या करते हैं, जैसे मैं किसी से मिल रहा हूँ तो मेरे लिंक से उसके लिंक जोड़ के फिर हाँ भाई अब हमने उससे कनेक्ट हो गए, अब इससे हट जाओ। तो लोगों का ये काम है भाई, ऐसे लोग ना दोगले होते हैं, इन लोगों से दूर रहो। कुल मिला के बात ही है। तो पीयूष भाई का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ गया इस क्वेश्चन में। ठीक है जी भाई, सुपर ये है कोई माधव भाई, कोई सुपर कार लोगे क्या? भाई डिफेंडर लेने से पहले मेरे मन में यही था कि मैं सुपर कार लूं, पर जब से डिफेंडर लिए तब से मेरा मन हट गया सुपर कार से बिल्कुल भी, क्योंकि भाई सुपर कार में वो मन नहीं है भाई। डिफेंडर में जो रॉयल फील आता है ना कि हाँ डिफेंडर में दबदबा भाई, डिफेंडर का मामला, डिफेंडर एक ऐसी चीज है भाई जिसमें लगता है हाँ भाई तुम किसी को गाड़ी चला रहे, भगवान कसम ये फैक्ट है। डिफेंडर है भाई, डिफेंडर की ओड नहीं है बिल्कुल भी। प्रूफ भाई है कोई, भाई मुझे व्लॉग्स बनाने पर डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। भाई देखो, जब तक आपके मन से ये चीजें नहीं हटेंगी ना कि यार मैं कैमरा उठा रहा हूँ और साइड वाला बंदा कुछ कहने लगे मुझसे कि यार ये क्या सोचेगा, क्या कहेगा मेरे बारे में, तब तक भाई इन चीजों को साइड नहीं कर देते ना, तब तक आप लाइफ में कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। एक बार इन चीजों से गुजर जाओगे ना, और डर तो लगते ही है स्टार्टिंग में, डर नहीं लगता यार, डर नहीं, वो भाई लोगों का ना काम है, लोगों का काम है कहना। जब तक इस चीज से बाहर नहीं निकलोगे ना, जब तक तुम लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे। इस चीज को समझ लो, सोच लो, लाइफ में अगर कुछ करना है तो चार लोगों को भूलना पड़ेगा, ये चार लोग ही समझ जाओ। सबसे मेन, आज वो तुम्हें देख के हंसेंगे लेकिन कल को देख के वो तुम्हें कॉपी करेंगे, बिल्कुल ये तो फैक्ट है, बिल्कुल जी। तो गाइस ये था अपना Q&A ब्लॉग, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यार सपोर्ट ऐसे बनाए रखो। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल हमारी ये आगे दोनों के सामने आपके, तो जितना हो सके फॉलो कर लो, बायो में लिंक डाल रहा हूँ। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लव यू।